some more of this one. Ah, oh, right out of the fat, baby. मुंबई इंडियंस ने हमें ये आपके लिए नई न्यूज होगी अभी इन्फॉर्म किया है कि वो जयपुर में खेलना चाहते हैं क्योंकि जयपुर में हमारी ये जो एसोसिएशन है राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन वो सस्पेंडेड है और इसलिए हम राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को वो मैच होस्ट नहीं बना सकते नहीं दे सकते इसलिए हमने सरकार से बात की सरकार ने स्वयं आगे बढ़ के प्रस्ताव दिया है कि वो इस मैच को कराना चाहते हैं उनके मतलब वो इसके होस्ट इस मैच के बनेंगे तो उनकी एक स्पोर्ट्स काउंसिल है राजस्थान गवर्नमेंट की उन स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ हम आईपीएल जो है एग्रीमेंट कर रहा है। पानी का संकट है तो जब इतने सालों से पिच को पानी दे रहे थे और ग्राउंड को पानी दे रहे थे ये हरा भरा घास जो है ना ये कोई कल की बरसात से तो नहीं हुआ ना ये इतने सालों से ग्राउंड को मेंटेन करके रखा है पानी लग रहा है तो कोई ऐसा तो है नहीं कि हमारे कोई टैंकर से पानी आ रहा है हम भी तो अपने बाग बगीचे में लॉन को आप अपने हम सब के पास घर है हम लॉन नहीं देते को पानी नहीं देते हैं तो ये ऐसा कोई ऐसी ये कोई मुद्दा नहीं है मेरे अंदाज से पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं की है कोई प्लान नहीं किया है आईपीएल मैच हो रहा है खिलाड़ियों के लिए मैच टूर्नामेंट होने चाहिए कोई तकलीफ नहीं है लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसमें एक्शन लिया कि मैच नहीं होना चाहिए यहाँ की सरकार पानी के बारे में कोई प्लान ही नहीं कर रही कोई उसका कोई एक्शन प्लान ही नहीं है कि आने वाले इस गर्मी के मौसम में कहाँ से पानी आएगा जयपुर में पानी है ही नहीं पानी तो बिसलपुर से आ रहा है जयपुर के नागरिकों को पीने के लिए चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले दो कॉलर्स हमारे साथ हैं हेमंत जी उदयपुर से खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से हमारे बीच जुड़े हैं हेमंत जी नमस्कार नमस्कार अश्विनी जी नमस्कार बताएं हाँ ये फर्स्ट इंडिया पर जो बहस है इसका मैं स्वागत करता हूँ जी सर और दूसरी बात ये है कि मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या आईपीएल स्वाभाविक तौर से अगर राजस्थान को कोई मैच आवंटित करती आरसीए को तो क्या ये पेयजल वाला बिंदु तब खड़ा नहीं होता आज चूंकि महाराष्ट्र में इन मैचेस को लेकर के हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं उसकी वजह से मैच को कहीं अन्यत्र ले जाना पड़ा या किसी अन्य राज्य को आयोजन करने का अवसर मिला तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर स्वाभाविक तौर से अगर आईपीएल अगर हमें अवसर देता कि राजस्थान के अंदर भी क्रिकेट का मैच होना चाहिए चाहे एक मैच मिलता या दो मैच मिलता तब क्या पानी का मुद्दा राजस्थान के अंदर मतलब आवश्यक नहीं था जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान तो मरुप्रदेश है इसमें तो हमेशा पानी की परेशानियां रही है और जो जो भी सरकार रही है वो हमेशा पानी को लेकर के चिंतित रही है और अपने अनुसार पानी की अधिक से अधिक व्यवस्था करने का सरकार हर सरकार ने कदम उठाया क्योंकि ये तो एक आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है हम क्यों अनावश्यक हमारे क्रिकेट प्रेमियों का दिल तोड़ करके इसको पेयजल के साथ जोड़ करके और चलिए मैं मेरे लिए भी समझना दिलचस्प होगा बहुत बहुत शुक्रिया आपका खालिद कुरैशी साहब आप क्या कहना चाहेंगे नमस्कार नमस्कार सर पानी का नाम देकर मैच राजस्थान को देना गलत बात है मैच पहले भी पिछली बार भी देना चाहिए थे मुझे पानी का नाम देना गलत ही है चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेहंदुल्ला साहब आपका रुख करना चाहूंगा एक कंटिजेंसी प्लान जो है सरकार ने बनाया था जिसका जिक्र लक्ष्मीकांत जी ने कुछ देर पहले किया भी कि उसके लिए अलग से बॉडी बनाई गई है सरकार की ओर से जो तय करेगी कि कहाँ पानी की व्यवस्था करनी है ऐसे हालात में फिर हम क्यों सवाल करें कि महाराष्ट्र की तर्ज पर राजस्थान में भी ऐसा हो जो गलती महाराष्ट्र के क्रिकेट फैंस के लिए हुई है वही राजस्थान के लिए हो जैसा कि दर्शकों ने कहा अश्विनी जी राजस्थान के दर्शकों को एक चीज़ बहुत भलीभांति समझनी चाहिए कि पहले आज से दो साल पहले या तीन साल पहले की स्थिति और आज की स्थिति में बहुत फर्क आ गया है हमारे जो डार्क जोन है उन डार्क जोन की संख्या बढ़ गई है हमारे सामने हर गांव के अंदर आपने देखा होगा चुरू के अंदर पिछले 120 दिन से लगातार धरना चल रहा है कि हमारे को पानी की क्यों आपूर्ति कराओ गांव-गांव के अंदर दूर दूर से पानी लाने की प्रॉब्लम हो रही है पशुधन को बचाने की समस्या खड़ी हो गई है सवाल इस बात का है कि भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 51 का है जिसमें नागरिक कर्तव्यों के अंदर रखें आज नागरिकों की सबसे बड़ी भारी ड्यूटी है कि वो अपने जनप्रतिनिधियों के सामने कहें कि उनकी प्राथमिकताएँ क्या हैं शासन की प्राथमिकताएं क्या आज सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि शासन की प्राथमिकताओं में पानी कहाँ होना चाहिए पहले क्रिकेट मैच होना चाहिए या पानी बाद में होना चाहिए बिजली बाद में होनी चाहिए लक्ष्मीकांत जी को आपने सुना कुछ देर पहले उन्होंने साफ तौर पर कहा कि
कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, ऐसा होता आया है, बस इस बार इसलिए महसूस किया क्योंकि लातूर का एक एग्जाम्पल हमारे सामने था और महाराष्ट्र ने क्रिकेट को वहां से अलविदा कहा। सवाल इसी बात का है मेंदुला साहब, मुद्दा यह है कि मूल सवाल यह है कि प्राथमिकताएं शासन की क्या होनी चाहिए। आज राजस्थान शासन आगे बढ़कर के कह रहा है कि क्रिकेट मैच हमारे यहाँ होना चाहिए। राजस्थान सरकार ने ये क्यों नहीं कहा कि हमारे यहाँ जो हमारी जो जलाशय हैं हमको उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। हमारी तीन प्रमुख नदियाँ हैं राजस्थान की, चंबल है, माही है और बनास है, और उसमें पानी की आवक घट गई है। आज अगर 10 साल के बाद स्थिति की आप कल्पना करो, अगर पानी की आवक घट जाएगी उसके बाद आपको बाद जयपुर को पानी का जोन और नदियों में घटता जल स्तर, आपको लगता है कि ये दो बड़ी समस्या है, इन्हें हमें समझना चाहिए और फिर पानी की बर्बादी के जैसे कि क्रिकेट मैचेस पर हो रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए। बहुत सच, बिल्कुल लगनी चाहिए। दो दर्शक है उनके बाद मैं गिरिराज जी और महान साहब आपके पास भी आना चाहूंगा। भावेश जी राजसमंद से हैं, साथ ही सुनील जी हैं हमारे साथ जयपुर से। भावेश जी पहले आपके पास आ रहा हूँ, नमस्कार। हाँ सर, हेलो जी, बताए। सर मैं कहना चाहता हूँ हमारे राजस्थान सरकार ने IPL की परमिशन दे कैसे दी सर? इससे उन्होंने जाहिर कर दिया कि वो उच्च वर्ग के साथ में निम्न वर्ग के साथ में नहीं है। राजस्थान में आज भी ऐसे कई गांव है जहाँ सर 10-10 दिन में पानी आ रहा है सर। गरीब व्यक्ति को पानी नहीं मिल रहा है, पहले उनके पानी की व्यवस्था की जाए उसके बाद IPL के बारे में सोचा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुनील जी आप क्या कह रहे हैं? सुनील जी जी बताए। सुनील जी कॉलर्स डिस्कनेक्ट हो गए उस बीच में। लक्ष्मीकांत जी मैं आपके पास आना चाहूंगा, रुककर मान साहब पहले आपके पास कुछ कह रहे थे आप मेरे ख्याल से। मैं कह रहा था कि देखिए ये मतलब या तो ये या क्रिकेट या पानी की किल्लत और लोगों की समस्या, ये इधर और का सवाल नहीं है। सरकार को एक्चुअली आइडियल सिचुएशन में तो दोनों चीज करने की आवश्यकता है। ये कहना कि क्रिकेट की वजह से पानी की किल्लत, भाई पानी की किल्लत क्या खत्म हो जाएगी अगर ये IPL नहीं कराया जाएगा? तो मैं समझता हूँ कि हम ये इसके बारे में तो कोई प्रश्न हो ही नहीं सकता कि गरीब आदमी के लिए पानी, किसान के लिए पानी जो बहुत जरूरतमंद है। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा बैक जाना चाहूंगा, पीछे जाना चाहूंगा और बॉम्बे हाईकोर्ट के उस डिसीजन पर हम क्या चर्चा कर सकते हैं जिसमें किस बात का ख्याल रखा गया। लक्ष्मीकांत जी कुछ देर पहले जैसे ऑफबीट बात के दौरान कह रहे थे कि पानी ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद मुंबई हाईकोर्ट का ये कहना था कि इस मसले पर गंभीर होना चाहिए। तो क्या सच में गंभीर होना चाहिए? सवाल इस बात का है कि एक स्टेडियम का बचा हुआ पानी किसी एक मोहल्ले के लिए तो काफ़ी होगा नहीं, पर गंभीरता सिर्फ IPL के संदर्भ में नहीं है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि गंभीरता जो है पानी की समस्या के बारे में, लोगों की समस्या के बारे में, वो एक लॉन्ग टर्म प्रक्रिया है। अगर हम सोच रहे हैं कि सिर्फ IPL मैचेस नहीं करा के पानी की किल्लत अचानक एक जादू की तरह से खत्म हो जाने वाली है तो वो कतई नहीं होगी। ये राजनीतिक पॉइंट्स ये लोग एक दूसरे के अगेंस्ट स्कोर कर सकते हैं। अगर कांग्रेस की सरकार चल रही होती तो मेरा विश्वास है कि बीजेपी वाले भी ऑब्जेक्ट कर रहे होते। ये बड़ा दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ करती हैं, लेकिन असलियत ये है कि अगर आपको पानी की किल्लत से राजस्थान को या देश भर को निजात दिलानी है तो वो एक सस्टेन्ड सोशल कैंपेन एज वेल एज गवर्नमेंटल कैंपेन होनी पड़ेगी। उसके अंदर ड्राउट प्रूफिंग मतलब सूखे से अगर हमको छुटकारा लेना है तो उसके लिए बहुत से कदम हैं। मैं आपको एक ही छोटा सा एग्जांपल देता हूं कांग्रेस बीजेपी के संदर्भ में और उनका जो खोखले जो तरीके होते हैं उसके बारे में। राजस्थान में आपको ध्यान होगा 1999, 2000 और 2001 में बहुत गंभीर सूखे की समस्या रही थी और उस समय जो कांग्रेस सरकार चल रही थी उसने कहा कि 200 गज से ज़्यादा मीटर के जिनके भी मकान हैं उन सब के लिए आवश्यक होगा कि वो कोई ना कोई तरीका अपनाएं जिससे वाटर कंजर्वेशन किया जाए। आज 15-16 साल हो गए, उसके बाद बीजेपी की सरकार रही उन्होंने भी उस चीज़ को दोहराया, कांग्रेस की फिर से सरकार रही उन्होंने भी उस नारे को दोहराया, लेकिन उसे असलियत में किसी ने नहीं पलटा। और हम सब ने भी पत्रकार मतलब सीधा सा संदेश है, सियासत हो रही है यहाँ पर, सियासत हो रही। सुनील जी जुड़े हैं फिर से, नमस्कार। अश्विनी जी नमस्कार, बताए। अश्विनी जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसमें, देखो पानी का मुद्दा बहुत अच्छी बात है। देखो जयपुर में राजस्थान पत्रिका की बात है, आज आगरा रोड पे 200 गांवों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। आप IPL मैच कराने की बात करो, आप निकल जाके है जगतपुरा रोड के ऊपर जहाँ पानी का गवर्नमेंट ने पानी का बना रखा है और मतलब टैंकर द्वारा और टैंकर 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए आज जो पानी की जो खरीदारी हो रही है। अरे भैया IPL मैच पहुंचा रहेंगे
होने दो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कृष्णकांत जी नागौर से है, बताइए। नमस्कार सर। सर नमस्ते। ये लातूर में तो अब देखा है हमने, राजस्थान के अंदर हर साल ऐसा ही होता है सर। जैसलमेर बाड़मेर जाके आओ सर, पीने के लिए पानी नहीं है। आईपीएल तो चलता रहेगा, ये तो मैच को छोड़ो सर, मैच तो चलता रहेगा। मैच तो इतने पैसे भी तो आ रहे हैं अपने राजस्थान के अंदर, पैसा भी आएगा होटल्स के अंदर। उस पैसे का 10% या 20% देना चाहिए आईपीएल के जो यहाँ मैच होएगा उसका। ये बीच का रास्ता हो सकता है। पारिक साहब एक और बात कह रहे, मैंने अभी तक ना इन मतलब छुट्टियों के अंदर 10 प्याऊ लगा चुका हूँ मैं अपने लोगों को। ट्रेन में जाता हूँ तब कहता हूँ, जब भी कोई गरीब आदमी होता है उसकी हालत के देख के मैं मतलब लोग हम तो बोतल ले लेंगे, वो गरीब आदमी कहाँ से बोतल लेगा। आजकल नया यूथ सेविंग नहीं करता सर पानी की। पारिक साहब जो ये नया यूथ ना बोलना जानता है, सेविंग करना नहीं जानता पानी की। बहुत सही सटीक बात, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गिराज गर्ग साहब, अब एक बार मसले को लेकर आपके पास मैं आना चाहूंगा। एक सियासत का कोण अगर हम लेकर चले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने विरोध किया तो आईपीएल आउट हो गया, राजस्थान में कांग्रेस क्या करेगी? क्या राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा? देखिए अश्विनी जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आईपीएल मई जून के बजाय क्या दिसंबर जनवरी में नहीं हो सकते हैं? कोई टाइम फिक्स है कि साहब इसी समय होगा आईपीएल तो जनता देखेगी, उस समय होगा तो जनता नहीं देखेगी, क्रिकेट प्रेमी नहीं देखेंगे? सरकार की संवेदनहीनता देखिए। अगर सरकार आईपीएल कराना चाहती है, क्रिकेट प्रेमियों का नाम लेके कराए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय तो देखिए आप समय कौन से समय पे करा रहे हो? जिस समय जिस कैपिटल में आप कराने जा रहे हो, उस कैपिटल की अनेकों सैकड़ों बस्तियां पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है, जैसा आपके ना कॉलर्स ने भी बताया। उस समय आप आईपीएल यहां कराना चाहते हो, आईपीएल कराना चाहिए, लेकिन उसका समय जो है वो समय आपने कौन सा चुना है? मेरे ख्याल से गिरिराज जी आपने खींवसर साहब को नहीं सुना। खींवसर साहब कुछ कह रहे थे कि आईपीएल नहीं होगा तो भी पानी लगेगा, आप तब क्यों नहीं बोलते? नहीं, निश्चित रूप से खींवसर साहब तो ना राज परिवार से है, सामंतशाही परिवार से, उन्हें गरीब का दूरा दर्द मालूम ही नहीं है। वो तो ना कोठियों में और बंगलों में रहने वाले लोग हैं आजीवन, वो तो ना पृथक रूप से ना उन्हें क्या मालूम गरीब का दुख क्या होता है। जैसा कॉलर ने बताया 300 रुपए का टैंकर आता है, जो गरीब आदमी के खरीदने की बस की बात नहीं होती है। सरकार को प्रायोरिटी वो तय करनी चाहिए, पानी महत्वपूर्ण है आदमी के जीवन। सरकार एक बात लक्ष्मीकांत जी के पास आऊं, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, जल स्वावलंबन अभियान पैरेलल चल रहा है, सरकार ने चलाया बूंद बूंद पानी बचाने के लिए, और एक तरफ आईपीएल के ऊपर लाखों लीटर पानी सरकार कटनी करने में फर्क है। लक्ष्मीकांत जी करने में अंतर इतना बड़ा। देखिए कांग्रेस पार्टी के गरीब परिवार के नेता राहुल गांधी जो जैसे कह रहे हैं कि गरीब परिवार से निकले नहीं इसलिए पता नहीं, कांग्रेस पार्टी के गरीब परिवार के नेता राहुल गांधी, मैं फिर से कह रहा हूं, दिल्ली में बैठ के कॉन्फ्रेंस करे ना और बोले राजीव शुक्ला के खिलाफ कि नहीं करनी चाहिए पूरे देश में आईपीएल। डबल स्टैंडर्ड है, जहां कहीं बोलना है वहां बोलना है, जहां कहीं चुप रहना है वहां चुप रहना है। ये राजस्थान के लिए गौरव की बात है कि 3 स्थानों का ऑप्शन दिया गया मुंबई इंडियंस को, रायपुर, कानपुर और जयपुर। जयपुर सबसे अच्छा स्थान वहां की ऑडियंस के हिसाब से, वहां के लोगों के हिसाब से मुंबई इंडियंस को लगा, इसलिए जयपुर राइट्स का गौरव है ये कि मुंबई इंडियंस ने हमको पसंद किया इसलिए हमारे यहां मैच हो रहे हैं। 2.5 साल पहले भी अप्रैल में ही मैच हुए, 2.5 साल पहले सीपी जोशी की सरकार थी, 2.5 साल पहले भी राजस्थान में सूखा था, फिर क्यों नहीं बोले? ये डबल स्टैंडर्ड जो है। मेंदुला साहब ने कहा था कि दोनों में कटनी करने का फर्क है। मेंदुला साहब की बात का भी जवाब दूंगा। एक मैच लेकर आए सीपी जोशी इंटरनेशनल मैच और उसको अपनी उपलब्धि बताया कि राजस्थान में वो इंटरनेशनल मैच लेकर आए। मेंदुला साहब जो बोले, जो मैं राजन महान जी की बात से सहमत हूं, देखिए दो पैरेलल एजेंसी है। खेल मंत्री का काम है स्पोर्ट्स चलाना, जल मंत्री का काम है जल समस्या की तरफ ध्यान देना। जल संसाधन मंत्री ने तो मैच नहीं करवाया, वो तो अपने काम में लगी है। जहां कहीं जल स्वावलंबन की बात चल सकती है, जहां कहीं सरकार की एजेंसी चल रही है, वो तो अपना काम कर रही है। आप चाहते हैं कि मौजूदा हालात पर बात कर ली जाए, चलो मैं ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद लौटूंगा तो समझना चाहेंगे कि आज जिन हालात का जिक्र हम कर रहे हैं तो क्या उन हालात के बीच में एक आईपीएल मैच या फिर 3 होने वाले आईपीएल मैच राजस्थान की पेयजल स्थिति में या फिर मनोदशा में कोई फर्क ला सकते हैं? आईपीएल के नाम पे पानी की बर्बादी बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहले देश की जनता है, खेल सब बाद में है। पानी बचाना बहुत जरूरी है, पानी नहीं है तो फिर जीवन ही नहीं है, इसलिए पानी बचाना बहुत अति आवश्यक है। पानी है तो आप सब कुछ करिए, पानी नहीं है तो नदियों को जोड़ने के बाद तो आपको पानी की समस्या दूर हो जाएगी। इसलिए सबसे पहले नदियों को जोड़ने का काम करना चाहिए, उसके बाद फिर दूसरे गेम का होना चाहिए।